नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। आइए एक नजर डालते हैं दिन की 10 खबरों पर। आईपीएस मुकेश गुप्ता को प्रमोशन नहीं देना सही, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने दिया फैसला। कैट और सिंगल बेंच के आदेश को पलटा। सीएम भूपेश की नाराजगी के बाद सड़कों की जिम्मेदारी कलेक्टर्स को, खराब सड़कों की मरम्मत और निर्माण की निगरानी करेंगे डीएम। रायपुर में युवराज सिंह की मस्ती, यूवी ने बद्रीनाथ संग झील में लिया बोटिंग का मजा। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 74 ट्रेनों का समय बदला, 1 अक्टूबर से नए टाइम टेबल से चलेगी ट्रेनें। कैबिनेट ने केंद्र कर्मचारियों के 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी दी। हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन बीजेपी में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को लेकर दायर याचिकाओं पर 12 अक्टूबर तक सुनवाई टाली। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3615 नए मामले सामने आए। बाजार ने छठे दिन भी पकड़ी गिरावट की राह, खुलते ही लुढ़के आईटीसी एचडीएफसी के स्टॉक। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में समीर महेंद्रू को किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।